हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में लेके आए हैं हम भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो देखो, आज की प्रैक्टिस सेट में 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो आज का प्रैक्टिस सेट आप पूरा लगाइए और उसके बाद बताइए कि कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखो, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पर, कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो देखो मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर टू में पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ये तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके लिए भी। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो देखो यहाँ पे है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो देखो पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए देखो पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जो है यहाँ पे केरल राज्य में है। तो देखो, ऑप्शन नंबर डी केरल बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो देखो, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया है अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, देखो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है वो देखो मणिपुर राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान देखो उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ पे दिया है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो देखो, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिहार बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो देखो, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तो ये देखो तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो यहाँ पर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखो, गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये देखो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में है, देखो केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में। तो देखो, केवल लाम जाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है
वो है देखो आपका मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी मणिपुर बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 16, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये है राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो यहाँ पे दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है वो है देखो महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, देखो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो जो साइलेंट वैली है वो है देखो केरल राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, तो देखो यहाँ पे दिया है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो मुदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो देखो तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा सही आंसर है इसके लिए। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो यहाँ पे दिया है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो असम राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर सी असम यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखो जो मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो तमिलनाडु राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो देखो जो थार राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर डी राजस्थान यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 27, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो देखो जो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देखो गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो गिरवन है ये आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो हरियाणा राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए हरियाणा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, देखो इंदिरा गांधी जिसे हम क्या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, तो ये देखो कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है देखो तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु सही आंसर है इसके लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो असम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी असम सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, तड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह देखो महाराष्ट्र राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो देखो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है बिल्कुल यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो 34, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो महाराष्ट्र राज्य में, यानी
यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान है वो है देखो असम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी असम यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो उत्तराखंड राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 37। तो देखो यहाँ पे बताना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो देखो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो देखो राजस्थान में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 39, तो देखो यहाँ पे देंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो देखो जो देंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है ये जो है असम राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी असम बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो देखो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो उत्तराखंड राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 41। तो देखो यहाँ पे है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देखो ये है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये है देखो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके लिए सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन 43, देखो दासीगम राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? तो देखो दासीगम राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है देखो जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अहमियत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो अहमियत राष्ट्रीय उद्यान ये देखो लद्दाख में, तो ऑप्शन नंबर ए लद्दाख बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, तो देखो अगला क्वेश्चन है देखो 45, और देखो यहाँ पे बताना है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो देखो जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश सही आंसर है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन 46, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? देखो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो उत्तर प्रदेश राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47, नागरहोल यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो नागरहोल या राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये देखो कर्नाटक राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। तो देख लेते हैं देखो अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो देखो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49, देखो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो देखो जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है यह देखो अरुणाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है।